मुझे चाहता है। दो घड़ी के हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हैं आप? हाँ सबसे हाय बोलो। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम और करीबन 6:30 पौने सब का टाइम हो रहा है। मैंने जोत पत्ती कर ली क्योंकि आज जल्दी कर ली। तो अब बनाने आई हूँ चाय, क्योंकि पहले चाय नहीं भी मन नहीं कर रहा था चाय पीने का, तो बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय। और ये देखिए चाय किस में बना रही हूँ मैं, आज बना रही हूँ मैं चाय लोटे में, क्योंकि इसमें दूध रखा हुआ था। तो आजकल ठंड है ना, ठंड में बर्तन मांजने की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि ठंड में जब बर्तन मांजने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, तो इसमें दूध रखा हुआ था तो मैंने कहा चलिए इसी में बना लेती हूँ चाय। और अभी सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ और बनाते बनाते कितने लोग आ जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो रखती है मैंने पानी, बन रही है चाय, तो आप लोगों के साथ करती हूँ थोड़ा सा शेयर। मैंने कहा आज कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और कल से मैं अब से अर्ली मॉर्निंग से ही मतलब वीडियो शेयर करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कल से फिर मैं ये नियम बनाने ही वाली हूँ, बनाऊंगी ही, बनाने वाली ही नहीं हूँ, बनाऊंगी ही, क्योंकि वीडियो का बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। और अभी घर पूरी तरीके से अभी आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ नहीं दिख रहा हुआ, यहाँ का हाल बहुत बुरा है। थोड़ा बहुत मैंने सुधार करा है लेकिन अभी भी बहुत कुछ वैसा ही है, यहाँ तक कि खा के पॉलिथीन भी यही पड़े हैं। मतलब जिसने खाया होगा या जिसने भी निकाला होगा तो उसने इतना भी मतलब नहीं किया कि उसको उठा के बाहर फेंकते, तो मुझे अभी नीचे से भी सामान मिल रहा है। और जो खाने पीने की चीजें बची थी ना, तो उसमें जो डिब्बे थे मेरे, उनके सामान भी निकाल कर वो डिब्बे यूज किए, तो वो भी सारा फैला हुआ है। तो देखती हूँ कल के दिन में क्या करती हूँ, कल संडे है। तो आज का ब्लॉग तो एक दिन पहले से तैयार होता है, तो सैटरडे है आज। और अभी मैं दिन में गई थी स्कूल जा रही हूँ, तो स्कूल में भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक तो थोड़ा सा जो अजीब सा महसूस हो रहा है, एक तो नींद सी पूरी नहीं हो रही है, और दूसरा बहुत जल्दी में मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बता रही हूँ जैसे कि सामान का है, कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ हैबिट सोने की और उठने की थोड़ी चेंज हो गई है, तो बहुत इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो कल है संडे, मुझे धोने हैं बहुत सारे कपड़े, और बेटा भी कल घर पे नहीं है, और इसकी वजह से देखती हूँ कल क्या करती हूँ। वैसे मेरा यही मन है कि मैं सुबह से ही आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ, और उसके बाद पूरा दिन मेरा यूँ ही निकल जाता है, तो उसके बाद स्टार्ट ही नहीं कर पाती। जो मेरा रूटीन था ना कि मैं मॉर्निंग में से ही मतलब इसको स्टार्ट करूँ, तो वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया। अभी छुटकू को मैंने दिखाती हूँ आपको क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और छुटकू भी ठीक है, बढ़िया है, और अभी कमजोर तो है ही। उसकी जो फोटो हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें तो वो काफी अच्छा लगता है, लेकिन अभी बहुत कमजोर है। और जब से हुआ है ना, अभी उसका 100 ग्राम वेट बढ़ा है, और 3 किलो के करीबन वो हुआ था, ठीक ठाक हुआ था, लेकिन तब से अब तक वो हो गया है 15 दिन का हो गया, 15 दिन में बेचारे का वेट अभी 100 ग्राम बढ़ा है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। अभी दूध वगैरह भी उसके लिए हो नहीं पा रहा है, माँ का दूध नहीं हो पा रहा अच्छे से, और बेचारे को पीना पड़ रहा है बोतल का दूध। और बस यही थोड़ी सी हम लोगों का दिमाग भी उसी तरफ लगा हुआ है, क्योंकि जैसे हम स्कूल से आते हैं ना, तो एकदम उधर ही भागने को मन करता है। सुबह होती है ना, तो ये लगता है कि आवाज़ आ रही है, तो सबसे पहले उसी के पास जाएं। तो थोड़ा सा जो टाइम है ना, जो मेरा फ्री मैं सुबह के टाइम पे महसूस करती थी, सारे काम करने के बाद महसूस करती थी, वो वहाँ जा रहा है। तो सुबह भी मन करता है कि उठाओ तो गोद में लेके थोड़ी देर खिला लें, और आते के साथ भी यही हाल होता है, मेरा भी, मेरी बेटी का भी यही हाल होता है कि जाके उससे खिलाएं। तो अभी यही हमारी दिनचर्या चल रही है, और देखिए कब तक चलता है ये सब,
और क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हमारा मन हटेगा। मन हटने से मतलब ये है कि हमारा हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना कि चलो अपने काम पे ध्यान दें और जब हम फ्री हो जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अभी हमारा क्या हो रहा है ना कि हम काम पे ध्यान ना देकर पहले उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद जो टाइम बच रहा है वो हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। तो वो ये हो रहा है ऐसे काम हम करके फिर खेलो कूदो तो अच्छा लगता है ना, लेकिन हमारा क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है। पहले उसको देखना हो रहा है, उसके साथ एंजॉय हो रहा है, चाहे वो एक घंटा जा रहा हो चाहे दो घंटे जा रहे हो, और उसके बाद फिर काम पे फोकस हो रहा है। तो काम तो पता ही है फिर कैसे होना है, लेट सवेर होना है। मन रही है चाय पीते हैं, चाय आपके साथ तो शेयर मेरी क्या हो रही, चाय हमेशा चाय शेयर करती हूँ। बस मेरा बात करने का एक ना एक बहुत अच्छी जगह है क्योंकि मुझे कहीं पर ट्राइपॉड रखने की जगह नहीं मिलती, कहीं पर मुझे मतलब मज़ा नहीं आता मुझे कहीं पर बात करने का। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है और छोटे के साथ साथ आपसे बात करने में मुझे यहाँ पे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं लगती। और चाय मेरी उबाल आने वाली है, बंद कर देती हूँ। और बस आपसे भी बहुत बोर करती होंगी मैं आपको, तो चलो बोर करना मेरी हैबिट से बन गई क्योंकि मेरा मन नहीं करता है कि मैं आपसे बात ना करूं, मतलब मन लगता ही नहीं है, करता ही नहीं है। ऐसे मतलब ये है कि मेरा अगर मैं आप लोगों से बात नहीं करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने व्लॉग ही नहीं बनाए, मैं आजकल वीडियो ही नहीं बना रही हूँ, मैं किसी से बात ही नहीं कर रही हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और जैसे बात कर लेती हूँ ना 5-2-3 मिनट 4 मिनट, बस मेरी बात लंबी हो जाती है, 2-4 मिनट भी बात कर लेती हूँ ना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज मेरा व्लॉग बन गया है। तो ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ, अभी रात में देखती हूँ रात में क्या बनाती हूँ, कुछ अगर अच्छा सा बनाने लगी तो शेयर करती हूँ। और बाकी दिन में तो मैंने कल रात जो बनाया था उसी को ही मतलब कर लिया था, एडजस्ट कर लिया था, अब देखते हैं क्या चलता है। तो अब पीते हैं चाय। आप लोग भी कब मेरा वीडियो देख रहे हो क्या पता, दोपहर में देख रहे हो तो चाय का तो आनंद कभी भी लिया जा सकता है, खासतौर से सर्दियों में थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगा है। हाँ क्योंकि मुझे वैसे तो पता चला क्योंकि मुझे तो बहुत ठंड लगती है, थोड़ा सा जो सामान रखा है ना बाहर तो उसमें पता लगने लगा है, जैसे घी वगैरह है पिघलने लगा है, तो उससे पता लगने लगा है कि मौसम में थोड़ी गर्मी आ गई है। बाकी हम लोगों का धूप का तो कोई काम होता नहीं है क्योंकि रिक्शे से आना है, रिक्शे से जाना है, बाकी क्लासरूम में बैठना है या ऑफिस में बैठना है, तो वहाँ तो धूप का इतना पता चलता ही नहीं है। और घर आते आपको पता ही है कि धूप मिलती नहीं है, तो इसलिए धूप का तो कोई मतलब ही नहीं है। बस ये है कि गेट से घर तक कितना धूप में आना कितना जाना वो हमें बहुत अच्छी लगती है उस टाइम पे, क्योंकि उतनी ही मिलती है। तो बस अब चाय पीते हैं, बार बार यही कह कह के वीडियो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बाबू कर ले छो मैं बाबू तो भूख लग गई इधर भूख लगे जब भूख लगती है तो बाबू कुछ नहीं होता है। हाँ भूख लग गई तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए कम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता।